45 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले, एक ही साल में 40 से ज्यादा फिल्में साइन करने वाले, अपने डांस और बेहतरीन कॉमिक स्टाइल के बलबूते करोड़ों दिलों पर राज करने वाले गोविंदा ही तो हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है स्टार लाइफ, हम आपसे बात करेंगे चीची यानी गोविंदा के बारे में। मतलब ये एक नाम है जिसे सुनते ही रवीना टंडन की बात करें, करिश्मा कपूर की बात करें, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता मैं सुष्मिता सेन की बात करें, गोविंदा ने इतनी एक्ट्रेसेस के साथ फिल्मी पर्दे पर काम किया है कि भाई वो तमाम डायलॉग्स याद आ जाते हैं, फनी सीन्स याद आ जाते हैं और ऑटोमेटिकली चेहरे पर हंसी आना तो लाजमी है। कादर खान, जॉनी लीवर के साथ गोविंदा की शानदार कॉमेडी का जब तड़का लगता था, वाकई देखने वाले जो लोग हैं देखते रह जाते थे। राजा बाबू, यहाँ पर उनके नंदू सबके बंधु शक्ति कपूर को कैसे भूला जा सकता है। ये कुछ ऐसे टिकड़ी रही है बॉलीवुड की जिसने फैंस को हमेशा अपनी कॉमेडी के बलबूते एंटरटेन किया है। और इस खास रिपोर्ट में, इस खास प्रोग्राम में हम आपसे गोविंदा पर ही बात करने वाले हैं। चीची कहते हैं कि इंडस्ट्री के ही कई लोग हैं जिन्होंने उनकी फिल्में रिलीज नहीं होने दी, फिल्में रिलीज नहीं हुई, फिल्में बनी नहीं तो उनको करोड़ों का नुकसान हुआ, और फिल्मी जो पॉलिटिक्स है इससे उनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई है। गोविंदा ने अपनी ज़िंदगी में बेहद मुश्किल टाइम देखा है, इतना मुश्किल टाइम जब उनकी मम्मी जो हैं वो रेलवे स्टेशन पर 5 ट्रेनें मिस कर दिया करती थी क्योंकि फर्स्ट क्लास के टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी बाकी सभी कंपार्टमेंट में। काफ़ी परेशानियां झेली, लेकिन एक बार जब फैसला कर लिया कि ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना है तो दोबारा कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज की डेट में जब गोविंदा बहुत ज़्यादा फिल्मी पर्दे पर एक्टिव नहीं हैं, कुछ एक कॉमेडी शोज़ में नज़र आ जाते हैं, रिसेंटली द कपिल शर्मा शो में उनका गेस्ट अपीरियंस था विद हिज लवली वाइफ, तो अब गोविंदा आज की डेट में कैसी लाइफ स्टाइल जीते हैं? मतलब सुर्खियों में तो रहते हैं, इंडस्ट्री के तमाम बड़े सितारों को लेकर अपने इंटरव्यूज में सनसनीखेज खुलासे भी करते हैं, लेकिन उनकी लग्जरियस लाइफस्टाइल आज की डेट में कैसे बीतती है, इन सब पर रोशनी डालेंगे हम हमारी खास रिपोर्ट के जरिए। देखिए जरा गोविंदा की लग्जरियस लाइफस्टाइल के बारे में बात करने से पहले चलिए उनके एक इंटरव्यू का जिक्र यहाँ पर करते हैं जिसमें गोविंदा अपनी जिंदगी को लेकर काफी कुछ शानदार और दिल छू लेने वाली बातें बताते हैं। अपने डांस स्टाइल और एक्टिंग के चलते हर घर में अपनी पहचान बनाने वाले, लाखों दिलों पर राज करने वाले गोविंदा एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उनके करियर को बर्बाद करने की कोशिश कई लोगों ने की। कई लोगों ने उनकी फिल्मों को रिलीज नहीं होने दिया और इसी के चलते उन्हें करोड़ों का नुकसान हुआ। गोविंदा के पिता अरुण आहूजा एक एक्टर थे, उन्होंने लगभग 40 फिल्मों में काम किया। बाद में उन्होंने एक फिल्म बनाने की सोची जो बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इस फिल्म के लिए अरुण आहूजा ने अपने सारे पैसे लगा दिए और जब फिल्म फ्लॉप हुई तो उन्हें भारी नुकसान हुआ। एक चैट शो में गोविंदा बताते हैं कार्टर रोड पर उनका एक बंगला था जो उनके पिता को बेचना पड़ा और परिवार को किसी और जगह शिफ्ट होना पड़ा। इसके बाद परिवार में मुश्किलों का दौर शुरू हो गया। गोविंदा अपनी माँ के बेहद करीब थे और माँ को परेशानी में देखकर उन्होंने सोच लिया चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी माँ की सारी तकलीफों को दूर करके रहेंगे। गोविंदा की माँ निर्मला देवी क्लासिकल आर्टिस्ट थी और अपने बच्चों के लिए काफी मेहनत करती थी। अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर के बारे में बात करते हुए गोविंदा ने बताया, एक बार मम्मी को छोड़ने के लिए मैं खार रेलवे स्टेशन पर गया, लेडीज डिपार्टमेंट में बहुत भीड़ थी और औरतें लटक कर सफर कर रही थी। वो उन महिलाओं से कहती थी बेटा मुझे अंदर ले लो प्लीज, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिली और इस तरह 5 ट्रेन चली गई लेकिन मम्मी चढ़ नहीं पाई। मम्मी ने कहा ये भी छूट गई, बड़ा कठिन हो गया है चीची। मैं अपनी बात सुन रोने लगा और मैंने माँ से कहा आप 10 मिनट यहीं रुकिए। रोते रोते दौड़कर मैं अपने मामा के घर गया, उनसे पैसे लेकर आया। उन पैसों से मैंने माँ के लिए फर्स्ट क्लास की टिकट खरीदी।
इस घटना के बाद से जिंदगी में मैं काफी जुनूनी ही हो गया और एक अभिनेता बना। 1986 में फिल्म इल्जाम के जरिए अपने करियर की शुरुआत करने वाले गोविंदा ने इसके बाद पलट कर कभी नहीं देखा। कई फिल्मों में काम किया, ऐसी फिल्में जो अपने जमाने में सुपरहिट रही। अब चलिए हम आपको गोविंदा की लग्जरियस लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं। मूल रूप से मुंबई के उपनगर विरार के रहने वाले गोविंदा तीन आलीशान आशियानों के मालिक हैं। ये बंगले मुंबई के रैया पार्क, जुहू और मड आइलैंड में हैं। गोविंदा के इन आशियानों की कीमत करोड़ों में है। चीची गोविंदा ने रियल स्टेट में काफ़ी पैसे इन्वेस्ट किए हैं। एक समय में अपने परिवार को तंगी से गुजरता देख चुके गोविंदा अनुमानित तौर पर 133 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति के मालिक हैं। बीते कुछ सालों में गोविंदा की सालाना अनुमानित कमाई 16 करोड़ रुपए के करीब बताई जाती है। आपको बता दें, गोविंदा ने अपनी जिंदगी में सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है। अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को वो काफी अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं। आपको बता दें, रियल स्टेट की प्रॉपर्टी में वो इन्वेस्ट कर चुके हैं और इन्हीं प्रॉपर्टीज से उन्हें अच्छी खासी कमाई होती है। गोविंदा ने अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर ना देखने की कसम खाई थी। जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव तो उन्होंने देखे ही, लेकिन इन उतार चढ़ावों के साथ ही कभी हार नहीं मानी। हार ना मानते हुए आज की तारीख में आप देख ही सकते हैं, इंडस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल एक्टर्स में से एक माने जाते हैं। परफेक्ट कॉमेडी टाइमिंग के लिए गोविंदा ने अपने आप को हर कसौटी पर खरा उतारा है। हर हिंदी फिल्म के लिए 4 से 5 करोड़ रुपए लेने वाले गोविंदा टेलीविजन पर भी जीतो छप्पर फाड़ के और डांस इंडिया डांस सुपर मॉम्स में नजर आ चुके हैं। अभिनेता गोविंदा को लग्जरी गाड़ियों का काफी ज्यादा शौक है। उनके पास फोर्ड एंडेवर है, मित्सुबिशी लांसर है, जिनसे मालूम पड़ता है कि गोविंदा को गाड़ियों का भी काफी ज्यादा शौक है। आज की तारीख में वो फिल्मों में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन फिल्मों में एक्टिव ना होने के बावजूद 16 करोड़ रुपए उनकी सालाना कमाई है। फिल्मों से दूर होकर भी लाइफस्टाइल को शानदार तरीके से वो मेंटेन करते हैं। एक साल में 40 फिल्में साइन कर देने वाले गोविंदा अपने करियर में 165 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। शक्ति कपूर और कादर खान के साथ उनकी कॉमेडी का तड़का जिन जिन फिल्मों में लगा है, उन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस की खिड़की पर ताबड़तोड़ कमाई की है। कांग्रेस के टिकट पर सांसद के रूप में राजनीति करने वाले गोविंदा काफ़ी विवादों के चलते अपने पद से इस्तीफा भी दे चुके थे। आपको बता दें, गोविंदा की लग्जरियस लाइफस्टाइल जो वो जीते हैं, अपनी पत्नी सुनीता, अपनी बेटी और अपने बेटे को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में ही रहते हैं। तो देखा आपने, चीची की जो लाइफस्टाइल है वो कितनी लग्जरियस है। 16 करोड़ रुपए सालाना कमाते हैं, 156 करोड़ के करीब उनकी जो है कुल संपत्ति है। फिलहाल ये आंकड़े हर साल बदलते रहते हैं और अलग अलग वेबसाइट्स के हवाले से अलग अलग आंकड़े होने के दावे भी होते हैं। खैर, इन सबसे हटकर स्टार लाइफ में आज के लिए इतना ही। चीची गोविंदा की लग्जरियस लाइफस्टाइल पर, उनके कुछ स्ट्रगल पर हमने आपसे बात की। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगर आप भी अपने पसंदीदा सितारे से जुड़ी कोई खास बात जानना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ कोई खास किस्सा जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम हमारे प्रोग्राम्स के जरिए आपके सितारों को आपके करीब लाते रहें। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, रहें अपडेटेड।